सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक लर्नर में। आज जो कुंडली आप देख रहे हैं एक ऐसे इंसान की है जिसके लाइफ में पैसा है, फेम है, नाम है, बट इनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। प्लस इनके लाइफ में अभी तक टिल दिस डेट फ्लक्चुएशन बहुत है। कभी ये अपने लाइफ के बहुत पिक में चले जाते हैं और सडनली वहाँ से ड्रॉप करके ज़ीरो में आ जाते हैं, फिर वापस मेहनत करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो वाई इनके लाइफ का ग्राफ, मतलब ऐसा क्यों होता है कि इनके लाइफ का ग्राफ हमेशा फ्लक्चुएटिंग अप्स एंड डाउन्स में लगा रहता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है तुला लग्न की कुंडली है और लग्न भाव में ही बुध विराजमान है। तो लग्न भाव में बुध जो है द्वादशेष हैं और साथ में भाग्येश हैं। हालांकि लग्न भाव के जो बुध होते हैं ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी बनाते हैं, प्लस ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। ये किसी भी चीज़ को मतलब बहुत दूर से ही भांप लेते या पहले ही समझ में आ जाता है, या इनका सिक्स सेंस इनको बहुत ज़्यादा पहले से ही इंडिकेशन देने लग जाता है। तो बुध अगर अकेला लग्न भाव में बैठा रहे और कोई भी दूसरा ग्रह ना हो, किसी के भी प्रभाव में ना हो, तो बुध वहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। प्लस ये भाग्य भाव के स्वामी होकर लग्न भाव में विराजमान है, प्लस द्वादशेष होकर लग्न भाव में विराजमान है। द्वादश भाव और भाग्य भाव, द्वादश भाव होता है मोक्ष का और भाग्य भाव होता है धर्म का, तो ऐसे लोग थोड़े धार्मिक प्रकृति के भी होते हैं। दूसरे भाव में शुक्र विराजमान है, हालांकि ये जो है मंगल के घर में शुक्र विराजमान है, दूसरे भाव के स्वामी मंगल जो है ये विराजमान है दशम भाव में। हालांकि दूसरे भाव का शुक्र व्यक्ति को अच्छा सिंगर बनाता है, बट यहाँ पर शुक्र जो है वो जल राशि में ऊपर से मंगल की राशि में विराजमान है, तो ये बहुत अच्छे सिंगर तो नहीं है, बट इनका जो काम है स्पेशली धन को लेकर, पैसों को लेकर, ये कुछ उस तरह से काम करते हैं जैसे समझ लीजिए कि मैं एक्चुअल इनका प्रोफेशन बताऊं तो ये एक वेब डेवलपर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, इंडियन हैं, बट इनका मैक्सिमम काम जो है फॉरेन में होता है और इनफैक्ट वो फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं। पहले वो इंडिया में ही रह के काम करते थे, अब वो इंडिया से बाहर जाकर सेटल हो चुके हैं। तो उनका काम जो है दूसरों के प्रॉब्लम का सलूशन देना, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्लस अपना खुद का वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट बनाने की कंपनी भी है। तीसरे भाव में इनके चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा जो है इनके दशम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान होने की वजह से ये जो है अपने बलबूते पर, जो भी इन्होंने किया है अपने बलबूते पर किया है, इनको किसी ने कोई भी सपोर्ट नहीं दिया, इनका कोई बैकबोन नहीं या बैकग्राउंड नहीं था, इन्होंने खुद ही कोडिंग सीखी। और बहुत विडम्बना वाली बात यह है कि इनका बैकग्राउंड था आर्ट्स, इन्होंने ग्रेजुएशन आर्ट्स में करी, बट इनको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इस वजह से इन्होंने कोडिंग सीखी और वेब डेवलपमेंट में बिल्कुल माहिर और जौहर दिखा रहे हैं अब भी। स्टिल दिस डेट उनके इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड के कंपनीज हैं इनके अंडर में, जो जिनका ये वेबसाइट बनाते हैं और मेंटेन भी करते हैं। चौथे भाव में केतु विराजमान है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, चौथा भाव इनका सुख का भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक केतु विराजमान है और इस भाव के स्वामी द्वादश भाव में विराजमान है, प्लस पंचमेश भी द्वादश भाव में विराजमान होने की वजह से इनका जो है सुख का भाव बहुत अच्छा नहीं है, मतलब पर्सनल लाइफ में सुख इनको बिल्कुल भी नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि इनकी अभी तक शादी नहीं हुई, इनका अफेयर अधूरा रह गया है, प्लस अभी भी वो उस अफेयर के पीछे भाग रहे हैं, चेज कर रहे हैं, और इनका यही टारगेट है या तो वो मिलेगी या तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल सन्यासी बन के रह जाऊँगा। पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं है, स्टेबल बिल्कुल नहीं है। षष्ठेश छठे भाव के स्वामी गुरु जो हैं ये भी द्वादश भाव में विराजमान है, तो इनका जितना भी काम है विदेशों से है, विदेशों से इसका इनका जो है बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि छठा भाव जो हम देखते हैं वो देखते हैं आपका कर्म भाव, यानी दसवें का भाग्य भाव होता है, आपका कर्म कितना आपको सपोर्ट करेगा और कहाँ पे काम करने पे आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उसको देखते हैं। तो छठे भाव का स्वामी जो द्वादश भाव में बैठने की वजह से इनको
इंडियन क्लाइंट से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा इनको फॉरेन के क्लाइंट से होता है। इनफैक्ट इसी वजह से उन्होंने इंडिया से बाहर शिफ्ट करने का सोचा और शिफ्ट हो चुके हैं। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तमेश जो है वो राहु के साथ विराजमान हो गए दशम भाव में, जो एक बहुत बड़ी विडंबना है। सप्तमेश अगर राहु के साथ विराजमान हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा भोगी नेचर का बनाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका सुख का भाव बहुत मजबूत नहीं होने की वजह से इनको भोग विलासिता में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पैसा आता है दूसरों की हेल्प में लगा देते हैं, और पर्टिकुलर एक इंसान के पीछे अभी तक वो चेज कर रहे हैं। तो ये एक विडंबना भी है और एक उनकी क्या कहते हैं उसको प्यास है ना, वो ललक है कि करना तो है, अगर शादी करनी है तो जिससे प्यार करता हूँ उसी से करूँगा, अगर नहीं करनी है तो नहीं करूँगा। लेकिन अष्टमेश जो शुक्र है वो दूसरे भाव में विराजमान है, तो कभी कभी इनकी जो बातें होती हैं दूसरों को बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, जिस वजह से इनके लाइफ में वापस डाउनफॉल हो जाता है। यानी कि इन्होंने पूरी जितनी भी मेहनत की थी सिर्फ अपने बोल बचन के कारण या बड़बोलापन कह लीजिए, जो बात नहीं करनी चाहिए वो बात कर देंगे, इनको अपनी वाणी में बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हालांकि आज के डेट में वो एक प्रोफेशनल है, कामकाज की जगह पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन कामकाज की जगह पर भी कभी कभी इनका अपने क्लाइंट के साथ विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कभी कभी ये थोड़े से अनप्रोफेशनल वे में भी क्लाइंट के साथ बातें कर लेते हैं, जिस वजह से गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली इनको अन्याय सहना पसंद नहीं है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा साफ दिल वाले इंसान है, क्योंकि लग्न में बुध है, इनको बहुत क्लियरिटी पसंद है। अगर कोई भी क्लाइंट लोचा करता है, प्रॉब्लम करता है, तो ये सीधा मुंह पे बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। बट कभी कभी प्यार के मामले में इनका ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत बार इनको डुबाया, मतलब कई बार इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि प्यार के चक्कर में ये सब कुछ लुटा देते हैं, जीरो चल में चले जाते हैं, फिर वापस जीरो से खड़े होते हैं। बड़ा अद्भुत इनका लाइफ का एक सिचुएशन है। भाग्येश लग्न भाव में विराजमान होने की वजह से भाग्य से इनको अच्छा खासा काम मिलता रहता है, कहीं ना कहीं से नए नए क्लाइंट्स आते रहते हैं, प्लस इनके पुराने क्लाइंट्स इनके साथ बहुत अच्छे से रिलेशन बना के रखे हुए हैं। दशम भाव जो है राहु और मंगल का जो अंगारक योग है, ये थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा पैदा करता है। हालांकि इनके जो शत्रु हैं या इनके कंपटीटर बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, लेकिन अगर ये वीक होते हैं तो फिर वो शत्रु इनके ऊपर चढ़ के इनका काम खराब करते हैं, मतलब इनका जो है विनाश करने के लिए तुल जाते हैं। तो वीकनेस इनकी सबसे ज़्यादा वही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सप्तमेश राहु के साथ विराजमान है, तो इनका सप्तम भाव ही इनका वीकनेस है। जिनसे वो शादी करना चाहते हैं उनकी याद में, उनके गम में वो इतने डूब जाते हैं कि बस इनका काम जो है चौपट होने लग जाता है, फिर वापस जीरो में जब जाते हैं फिर इनका आँख खुलता है, वापस ये भागने लग जाते हैं, फिर उनको सारी चीज़ें वापस मिलने लग जाती हैं। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादश है, द्वादश भाव में चले गए हैं। ये एक बहुत पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है। मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा है जिनका एकादश है द्वादश भाव में चले जाए, ऐसे लोग नशे के आदि होते हैं। कोई ना कोई नशा, चाहे वो अल्कोहलिक हो, चाहे वो ड्रग कोई लेते हो, किसी भी तरह का नशा ऐसे लोगों को बहुत भाता है, चाहे वो दुख में लेकर हो, सुख में लेकर हो, या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हो, वो नशा ज़रूर करते हैं और आजीवन नशे में लिप्त रहते हैं। बट इंसान बड़ा साफ दिल का है, बड़ा ऑनेस्ट टाइप का इंसान है। और द्वादश भाव में गुरु, सूर्य और शनि विराजमान होने की वजह से द्वादश भाव में इनको बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही है, जिस वजह से इनको इनका पूरा सेटअप ही है जो है वो विदेश में हो चुका है अभी, और विदेशों से इनको ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, तो हालांकि देखा जाए तो ये कालसर्प योग का योग वाली कुंडली है, लेकिन मैं कालसर्प योग को बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता क्योंकि कालसर्प योग वालों के जीवन में स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल होता है, लेकिन आफ्टर 40 या 35 जिंदगी में राइज करने का टाइम आता है, और ऐसा राइज होता है कि बस देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। तो एक तरह समझ लीजिए कालसर्प दोष की वजह से ही इनके लाइफ में फ्लक्चुएशन है या अस्थिरता है, लेकिन कालसर्प का इफेक्ट हमेशा
मिडिल एज तक होता है, अप टू 40 के बाद से ये बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त फल देने लग जाता है। ठीक है, तो अगर आपके कुंडली में भी इस तरह के योग हैं तो ज़रूर आपको सीख लेना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया उपाय जो है वो ये है कि ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार आसन ज़रूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से हमारी जो सारी इंद्रियां हैं या चक्र हैं, सातों चक्र और ये पांच इंद्रियां अपने आप बैलेंस होती हैं, इंसान जो है वो स्थिर होता है, क्योंकि इनके लाइफ में इतनी अस्थिरता है, इस वजह से वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा अस्थिर रहते हैं। तो इंसान अगर अंदर से स्थिर हो जाए तो बाहर की चीज़ें भी उसकी स्थिर होने लग जाती हैं। सबसे बेहतरीन उपाय सूर्य नमस्कार एवरीडे करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, उसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें, प्लस लग्नेश को बहुत ज़्यादा मजबूती दें। हालांकि इनका लग्नेश अष्टमेश भी है जो दूसरे भाव में विराजमान है, तो इनको अपने लग्नेश के ऊपर काम करना चाहिए। अगर दूसरे की कुंडली में लग्नेश मजबूत है तब ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होगा और बहुत कम समय में होगा, बट इनका जो लग्नेश है वो थोड़ा सा वीक है, 3 डिग्री का दूसरे भाव में विराजमान है, जिस वजह से अगर ये लग्नेश को मजबूत करते हैं, शुक्र को मजबूत करते हैं, तो इनके लाइफ में बहुत तरक्की होगी। तो आप भी देखिए आपकी कुंडली में ऐसे योग है कि नहीं, अगर हो तो आपको भी ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएं।